देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सो हैप्पी, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम चंपा से प्यार करते हो और चंपा से शादी करना चाहते हो। दैट्स रियली गुड। लेकिन मैं एक बात तुम्हारे कान में डालना चाहता हूँ कि हम लोग दहेज। अरे नहीं भैया, सोचिए अभी मत ऐसा। मुझे तो नफरत है दहेज से, मैं बिल्कुल दहेज के खिलाफ हूँ, दहेज नहीं लूंगा मैं। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा आप दहेज लें या न लें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम दहेज लेंगे। क्या मजाक कर रहे हैं भैया आप दहेज कैसे लेंगे, आप तो लड़की वाले हैं ना। तो थोड़ी मीन में लड़की वाले हैं यार। देखो हमारी ना खानदानी परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने दहेज लिया है। एंड आई कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट। अगर आप दहेज के 2 लाख रुपए हमें देंगे तो आपकी शादी होगी चंपा से, वरना शादी नहीं होगी। इज दैट क्लियर टू यू? यानी आप अपनी बहन को बेचना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू सेल योर सिस्टर ऑफ। आपको जो समझना समझिए, लेकिन अगर आप 2 लाख रुपए देंगे तभी आपकी शादी होगी, वरना बाय टाटा। आप तो जानती है हम लोग मिश्रा खानदान के हैं। हम मुर्गा खाना तो दूर, घर में लाकर बनाते भी नहीं है। क्यों नहीं बनाते बे, क्यों नहीं बनाते मुर्गा? अब आपसे क्या बताना, मिश्रा खानदान के लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं। हम नॉनवेज खाना तो दूर, नॉनवेज जोक्स भी सुनाने में कतराते हैं। ए शानी, तेरा ना जरा जास्ती शानपट्टी हो रहा है आजकल। तू मेरे को मना कर रही है? मेरे को नहीं नहीं, मैं आपको ना नहीं कह रही हूँ बुआ जी, मैं आपको खानदान की परंपरा बता रही थी। तेरा परंपरा वरंपरा का तेल लगाने, मेरे को ना खाने का मुर्गा मतलब खाने का, समझी? ये परंपरा की पूरी ना किसी और को बांध के दे, समझी? मत बोल बनाएगी कि नहीं मुर्गा? नहीं, नहीं बना। मेरे को मना नहीं करने का, मेरे को मना नहीं करने का। बनाएगी क्या? नहीं मैं नहीं बना। वो प्लीज। हेलो, ए मौसी, किधर थी तू इतने दिन से? अरे यार तेरे को कितना फोन लगाया रे। हाँ रुक रुक रुक, आती हूँ एक मिनट ना, इधर से। ए चल जल्दी कर, मुर्गा बना। जी तिवारी जी, आप यहाँ? भाभी जी, आप किस मिट्टी की बनी है? आपके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतनी ज्यादती हो रही है, ये दो सस्ती औरतें आपके साथ इतनी बदतमीजी कर रही हैं, और आप? तिवारी जी, भाभी जी मत कहिए मुझे भाभी जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुआ जी और नंद को सस्ती औरतें कहने की? हाँ तो भाभी जी, इनमें ऐसी कोई महंगी वाली बात भी तो नजर नहीं आ रही है। महंगी वाली बात तो आज तक मुझे आप में भी नजर नहीं आई है। भाभी जी, आप हमें सस्ता कह रही? जी हाँ, आप निहायत ही सस्ते आदमी है तिवारी जी। और जो धंधा करते हैं ना आप कच्चे बनियान का, वो और भी सस्ता धंधा है। भूरे अंकल ने मुझे एक बार कहा था कि उनका दामाद बहुत ही सस्ता आदमी है। आज मुझे ना उनकी बातों में सच्चाई नजर आ रही है आपको देख के। भाभी जी, आप हमें सस्ता कहें या जो भी कहें हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इस वक्त हमें अपनी नहीं बल्कि आपकी चिंता है। क्यों तिवारी जी, आप मेरे भैया हैं। तो पड़ोसी हैं भाभी जी, पड़ोसी। पड़ोसी हैं ना तो पड़ोसी के सीमा में रहिए। और आइंदा से अगर आपने मेरे खानदान के बारे में, स्पेशली मेरी बुआ जी और नंद के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा कहा ना, तो आई वोंट स्पेयर यू। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और यूं करना बंद करिए बस।
जाइए यहाँ से, आप बस चले जाइए यहाँ से, गेट लॉस्ट। कौन? सॉरी तिवारी जी, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था, शायद शायद कहीं और का गुस्सा आप पर निकल गया। Yes, darling, I'll send you my kisses. हवलदार जी, रात में जी नहीं भरता है क्या? एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कह रहे हैं? जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। सक्सेना जी, आप यहाँ क्यों आए प्लीज बताइए, आप देखने में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? ऐसा है हवलदार जी, मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। चलिए लिखिए रिपोर्ट। रिपोर्ट किसके खिलाफ? विभूति नारायण मिश्रा के खिलाफ। विभूति नारायण मिश्रा अपनी सिस्टर की शादी मुझसे कराने की एवज में 2,00,000 रुपए दहेज मांग रहे हैं मुझसे। ओ माय गॉड, मतलब आपके कहने का मतलब है कि लड़की वाले आपसे दहेज मांग रहे हैं? फिर तो कोई केस बनता ही नहीं, क्योंकि अगर आप दहेज मांगते तो हम आपको अरेस्ट करते, क्योंकि आप लड़के वाले हैं। तू कानून की कौन सी किताब पढ़ के आ हुआ है? हमें तो ना जो बता। जय हिंद सर। ना ना, जय हिंद तो ठीक है, किताब कौन सी पढ़ के आ हुआ, हमें जो बता। वो सर ये का पुड़िया बांध रहा वो सक्सेना? सक्सेना बताओ क्या बात है? अरे दरोगा जी, मैं यहाँ पे विभूति नारायण मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। वो अपनी सिस्टर की शादी मुझसे कराने की एवज में मुझसे 2,00,000 रुपया दहेज मांग रहे हैं। अब आप ही बताइए सर, अगर लड़के वाले दहेज मांगते तो केस कैसे बनेगा सर? हाँ, अगर लड़के वाले दहेज मांगते तो बेशक केस बनता है। आज की बात तू हमसे जो सवाल कबूल ना करिए कि तेरी तरक्की काय नहीं भाई जिंदगी। गारे हवलदार बनने के लायक नहीं है बैठे देखो जाए तो। लेकिन सर सब कर, हमें ज्ञान दे रहा है सारे। दहेज चाहे लड़की को बाप मांगे चाहे लड़का को बाप मांगे, दहेज मांगनू ही जुर्म है। बात खत्म हो गई थे उंगली ये रख। तो हमें तना पूरा किस्सा बताओ, पहले बात का है? असल में बात यह है दरोगा जी, अब जो करो सबसे पहले एक बढ़िया सो जाल बिछाने पड़ेगा बाको दबोचने के लाने। कैसा जाल? कहने ते लिया जी। असल में तुम्हें तो काय घुस रही? मैंने तू इतने काय घुस रहे हुए? दो बड़े जब बात करते होते हैं तो वैसे भी छोटों को घुसना होनी चाहिए, और तू तो वैसे ज्यादा छोटो है। आई एग्री, फिर भी मैं प्लान में शामिल होना चाहता हूँ सर। मारो सुनो, कहने ते लिया गई। I like it. क्या पी रहे हैं? दूध। चाचा जी, आपके रिश्तेदार क्या सस धस के आ रहे हैं?
बुआ जी। ए, ये क्या लेके आ रही एड़ी? अपन को कोल्ड्रिंक दे रही है तू? तेरे को पता नहीं है अपन लोग सुबह कुल्ला भी बियर से कटते? निकल अभी ये सब कोल्ड्रिंक वोल्ड्रिंक लेकर। हिम्मत कैसी है तेरी कोल्ड्रिंक पेश करने की अपन लोगों को? सॉरी बुआ जी, गलती हो गई, मैं लेके आती हूँ। हाँ जा, ये एड़ी कहीं की। क्या ये? तेरे को ड्रिंक भी बनाने को नहीं आता, क्या आता है तेरे को एड़ी? पागल कहीं की, चल जा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है? भाभी के ऊपर यहाँ इतना जुल्म हो रहा है, तुम शराब पी रहे हो? पाए लागू जीते रहो जाते रहो। जरा हटिए। कह रहे हम बात करने? हाँ जा रहे लिए। ये आजकल के लौंडा लौंडियन को तनकऊ भी जबर नहीं है। आई लाइक इट। जवान बच्चे है और आपने भी तो अपनी जवानी में काफी मजे लूटे। क्यों लंट भाई, इन बुजुर्गों से हमारा कोई आपने परिचय नहीं कराया? सक्सेना ये लड़की देखते चालू हो गए। सक्सेना जी, हेलो। हाँ भैया, परिचय तो कराइए। अरे सॉरी 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 भैया, एक्चुअली बात ये है ना कि जब भी मैं चंपा को देखता हूँ तो बस देखता ही रह जाता हूँ। तो फिलहाल इधर भी देख ले भाई। हाँ मैं डीडी आपका परिचय करवाता हूँ। ये जो सफेद दाढ़ी वाले हैं ये मेरे ताऊ जी हैं, चोखे लाल सक्सेना। और ये चश्मे वाला मेरा छोटा भाई है, धोखे लाल सक्सेना। ऐसा बेडंगा डांस आपको शोभा नहीं देता। ये क्या बात करे लाए, ई डांस हमको हमरी सहेली चंपा सिखाए ली है। ओह गॉड, इस चंपा ने तो भाभी जी की मासूमियत का बैंड बजा दिया यार, बंटाधार कर दिया। हाय दिया। भाभी जी कैसा अजीबोगरीब डांस कर रही हैं आप, आपको पता से डांस कहाँ होता है? पता है, वो क्या है ना कि हमरी जो सहेली है चंपा, वो डांस करती है क्लब के अंदर। तो आपको पता है ऐसे क्लब कैसे होते हैं? अभी तक देखे तो ना आई है, लेकिन वो बोल रही थी कि वो हमको वहाँ लेकर जाएगी। भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं, वो जगह आप जैसे शरीफ लोगों के लिए नहीं है। तो तुम्हारी बहन काहे जाती है वहाँ? वो मेरी बहन? मेरी बहन नहीं है। हाँ बोल रहेला है। देखिए भाभी जी, मैं आपको आपका दिया हुआ एक वादा याद दिलाता हूँ। कौन से वादे का बात कर रहा है? आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप इस चंपा की कोई बात नहीं सीखेंगी, कोई गुण नहीं सीखेंगी, और आपको देख के लगता है कि चंपा ने आपको चैंपियन बना दिया। चल अब खाली पीली दिमाग का दही मत कर, फूट यहाँ से और हमको नाचने दे। बेटा, तुम्हारी बहन तो बहुत बढ़िया नाचती है। हमें लग रहा है हमारे लौंडा को कहूं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यस यस चौक है। यो ब्रो, जब तक ये डांस चल रहा है हम लोग कुछ लेन देन की बात कर रहे हैं। लेन देन की बात? वो तो ऑलरेडी हो चुकी है ना। ना ना, लेन देन की बात तो हमसे ही करने पड़ेगी। वो लौंडा तो अभी बच्चा है, अभी अपने पांव पे ढंग से खड़ो भी ना हो पा।
सुन, जब सामने वाली पार्टी 2 लाख देने के लिए तैयार है तो फिर क्यों ना नौकर कर रहा है? इस पगलेट के चक्कर में मत रहे। अगर ये पलट गया ना तो पैसे भी नहीं मिलेंगे और इज्जत भी जाएगी। आप ठीक कह रहे हो। एक्चुअली ऐसा है, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? जितनी गोरी चिट्टी महिला कौन है? ये मेरी बीवी है, शी इज माय वाइफ। बेटा, तुमने अपनी वाइफ को क्या हाल बना रखो? इनकी हालत देख के तो जो लग रहा हो जो घर की नौकरानी। नहीं नहीं अंकल जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आई एम फाइन। आप हमें चाहो तो हमारे नाम से बुला सकती हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल जी? आप बुजुर्ग हैं, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? सर क्या कर रहे हैं, हम जिस काम के लिए आए उस पर ध्यान दीजिए। आप तो अनिता भाभी के पीछे हाथों के पड़े। तो भैया हम कहाँ आते बेटा, लेन देन की बात? हाँ ठीक है तो बताइए ना फिर। ना ना, बताने तो तुम्हें हैं, हमें तो सिर्फ सुनने हैं। अग्रवाल साहब, कैसे जनाब, अचानक इधर कैसे? अरे बस मैं तो आप ही से मिलने आ रहा था तिवारी जी। अच्छा, सब ठीक है, खैरियत से है? सब ठीक है, खैरियत। अरे मैं वो कुछ ऑर्डर्स देने थे उसके लिए आया था कुछ। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप ये इतने दूल्हे राजा बन करके और ये बन ठन के कहाँ चल रही है भाई? तो क्या है, सामने एक तो फंक्शन है। अच्छा, बस वही जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी चलिए। अरे क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी, मैं तो आपसे मिलने आया और मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह कहाँ, अच्छा थोड़ी लगता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ जाएंगे दो पैग मारेंगे और डील की बात भी कर लेंगे। अच्छा ये बात है, तो चलिए फिर आइए आइए। देखिए ऐसा है, आइए आइए अग्रवाल साहब, आइए इसे अपना ही घर समझिए, आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप है भगवती नारायण मिश्रा जी, हैं आप उनके चचा जी हैं, और आप जो है वो मास्टर जी हैं, आप डॉक्टर जी हैं, और ये जनाब कौन है, ये कौन जी हैं? ये ताऊ जी हैं। ताऊ जी, ओहो, इस महफिल में तो गुलाबो और चंपा भी आई हुई है। आप जानते हैं ने? अरे मैं इनको सचिन, सचिन की शादी में देखा होगा आपने इन दोनों को। सचिन की जो वाइफ है ना, उसकी ये बेस्टेस्ट फ्रेंड्स हैं दोनों। अरे मैं सचिन और सहवाग की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं सचिन बार की बात कर रहा हूँ। मैं इनको वहां से जानता हूँ। तो आप इनको पहले से जानते हैं? अरे इन्हें कौन नहीं जानता है, शहर का ऐसा कोई रसूखदार आदमी नहीं बचा है जिसको इन्होंने लूटा नहीं है। I don't like it. आप कहना क्या चाहते हैं, जरा साफ साफ कहेंगे? आप मेरे रिश्तेदारों पे ऐसे झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? सॉरी मैडम, मैं क्यों भला इल्जाम लगाने लगा इन पर। ये तो बहुत ही जालिम औरतें हैं, मैं तो इनसे खुद नहीं बच पाया हूँ। एक बार ये मेरे घर में घुस गई थी और मेरा तलाक करवा के बाहर निकली हैं ये दोनों। लगता है आज एक और तलाक होने वाला है। ऐसा कर, ऑलरेडी हो चुका है। शट अप, तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। पहले तुम्हारी सो कॉल्ड बुआ जी और सिस्टर से निपटती हूँ। ड्रिंक चाहिए था? तुम लोग की इतनी औकात भी नहीं है ना कि इस घर का पानी भी पी सको। ए, क्या बोल रही तू येड़ी? बहुत जास्ती बोल रही है। अभी तक सिर्फ बोल रही हूँ, अगर तुम लोगों ने ज्यादा बकवास की ना तो पिटाई भी करवाऊंगी। एक नंबर की फ्रॉड औरते हो तुम लोग। ए, कोई पुलिस को फोन करो, वरना ये दोनों भाग जाएंगी। पुलिस नहीं है, गोरी मैम। ये हप्पूसी की आवाज कहां से आई यार? इतने से आई। अरे दादा, इतने से आई। आई थी दारोगा जी। अरे ये तो हप्पू सिंह जी हैं। मनोहर, यस सर। चूल्हा उतार बेटा और चालान बना इनको। इधर आने का नहीं समझा ना,
वरना इसका ना मैं ऐसा इज्जत का भाजीपाला करेगी ना पूरे कॉलोनी में, इसका पूरा नाम खराब कर देगी। चल तू पैसा निकाल जल्दी से, हम लोग का जाने का टाइम हो रहा है, पैसा निकाल। बिल्कुल सही, तुम्हारा टाइम होगा वो जाने को, लेकिन जेल। सुन जितनो फेल हो रहा है तू समेत। यस बेब्स, बेब्स के बच्चे, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। तुमने मुझसे ऐसी ऐरी गैरी नत्थु खैरी औरतों की सेवा करवाई। इतनी सेवा अगर मैं अपनी सगी बुआ और ननद की करती ना तो मुझे लाखों के गिफ्ट देके जाती। जस्ट गेट लॉस्ट। हाय दिया चंपा, हम तुमको कहाँ समझे थे, और तुम तो बहुत ही गड़बड़ औरत निकली। तुम सच में हमको बहुत हॉट कर दी हो। तुमरा और हमरा दोस्ती खत्म, कट्टी। तू हट बोलना चाह रही है, ऐसे ही पकड़े ली है। चाचा जी आप भी ना जरा होशियार रहिए, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? जी हाँ आपकी वजह से। आपकी वजह से मैंने कसम खाई थी कि मैं विभू के सारे रिश्तेदारों के साथ अच्छे से बिहेव करूंगी, लेकिन उसके सारे रिश्तेदार ना किसी लायक ही नहीं है। सब के सब एक नंबर के घटिया हैं। अबे ठीक है तू? अबे टिल्लू, पर किसने फोड़ पाड़ के भेज दिया तुमको यहाँ पे बे? इन्होंने मुझे भी नहीं बताया, पिछले दो दिन से ये दोनों लगातार पिट रहे हैं। अरे विभूति सेठ हमारी छोड़ो, हमें तो एक नंबर घटिया जलील आदमी ने तबीयत से कूटा है। जरूरी बात ये बतानी है, बता टीका बता। भैया ये जो औरतें ना चंपा और गुलाब हो, जो कौकी रिश्तेदार ना है, ये सचिन बार की ना डांसर है। चंपा आज से तुम मेरी आपा, चंपा आपा। मैं तुमसे मिलने सचिन बार में आऊंगा, वहीं पे तुम मुझे राखी बांध देना। आई लाइक इट। अबे वो विभूति, सॉरी यार, वो क्या है ना, मेरी वाइफ ने मुझे पकड़ रखा था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तेरी वाइफ ने तेरा क्या हाल किया? आई हैव नो आइडिया। लेकिन मेरी वाइफ तेरा क्या हाल करेगी? आई हैव एन आइडिया। बेबी सारे लफड़े का जो मास्टर माइंड है ना, ये ही इज द वन। मास्टरमाइंड, आई लाइक इट।